अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ साग विद चिकन। ये है साग, ये 1 किलो है, आधा किलो चिकन है, जो इसमें मसाले जाएंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च। चिकन में हम जो मसाले ऐड करेंगे वो है टमाटर, ये 1 बड़ा था, ये मैंने लिया है कटा हुआ, लहसुन 1/2 चाय का चम्मच, ये साग में मैंने डालना है, प्याज लिए थे मैंने 2 अदद, ये है 1 चाय का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच अदरक, ये कटी हुई हरी मिर्चें 2 अदद, ये मैंने जब पक जाएगा खाना तब मैं दम के ऊपर उनको डालूँगा। अब हम ये लेंगे लहसुन, जिसमें हमने साग को करना है, ये 1/2 चाय का चम्मच मैंने लहसुन लिया था, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम साग डाल देंगे, हल्का सा चेंज हो गया अब इसमें हम साग डाल देंगे। साग का पानी खुश हो जाएगा फिर इसकी इसको हम बोलेंगे। अब आ जाती है चिकन की तरफ, इसलिए मैंने 1/2 कप ऑयल लिया, ये 2 प्याज की जगह मीडियम साइज की, हल्का सा ये पिंक हो जाए, प्याज को हमने हल्का सा पिंक कर लिया, अब इसमें डालूंगी मैं लहसुन अदरक 1/2 चाय का चम्मच, जैसे इसका पानी इसका खुश्क होगा ये कम होता जाएगा। आपने बस मिक्स करते रहना इसको, ऊपर नीचे करते रहना, पिंक होने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, अभी टमाटर थे मेरे पास 1 बड़ा, साथ ही इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच सुरख मिर्च, हल्का सा पानी लेंगे मसाले जले, 2 मिनट के लिए भूलेंगे और इसमें चिकन ऐड कर देंगे।
अब इसमें हम चिकन में, चिकन ये फ्रीज़र का है, इसमें हम इसको डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मैंने एक गिलास पानी लिया, अब इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गल जाएगा तकरीबन पक भी जाएगा, फिर इसको हम भून लेंगे। ये मैंने इसे कवर कर लिया 10 से 12 मिनट। आँच इतनी होनी चाहिए आपकी चिकन को। अब आ जाते हैं साग की तरफ। पानी इसका खुश्क होने वाला है, तो इसमें मैं डाल दूंगी मसाले। मैंने चिकन में भी ऐड किए हैं, तो साग जितना साग है उससे आधा, यानी कि आप इसमें मसाला ऐड करना है, तो बस थोड़ा टेस्ट आ जाए। बाकी तो हमने चिकन में कर दिया मसाला वगैरह डाल। एक क्वार्टर टीस्पून है नमक का, क्वार्टर टी स्पून हम हल्दी लेंगे, तो क्वार्टर ही टी स्पून हम उसमें सूखी मिर्च लेंगे। हमने चिकन में भी नमक, सूखी मिर्च और हल्दी डाली, तो उसके हिसाब से हमें कम कम ही लेना है, तब नमक ज़्यादा ना हो जाए। इसे हम कवर कर देंगे, 10 मिनट के बाद इसको भून लेंगे। आप देख रहे हैं लाइफ विद मूडी। साग को मैंने कवर करके रख दिया 10 से 12 मिनट के लिए। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये नरम हो गया, इसको भून लेते हैं। चिकन को देख लेते हैं, यहाँ मैं चिकन को भून रही हूँ। मेरा छोटा बेटा साग नहीं खाता शौक से, तो मैंने कहा उसके लिए भुना हुआ चिकन निकाल देती हूँ, ताकि वो तो खाना खाए उसको, वरना मुझे तंग करेगा, मेरे ये नहीं खाना। चिकन में ऑयल छोड़ दिया, ये मैंने इसको भून लिया और अच्छी तरीके से, ये इसको मैं शामिल कर दूंगी चिकन में। आज हमने साग नया कर लिया, सर्दियों की सौगात। मेरे हस्बैंड को खड़ा साग बहुत पसंद है, वो बहुत शौक से खाते हैं।
मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये दो अदद हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई थी। अब इसको दम दूंगी मैं 5 मिनट के लिए और ये हमारा खाना तैयार हो जाएगा, खड़े साग का चिकन। पाँच मिनट मैंने इसको दम पे रखा था, अब इसका देखिए ऑयल आ गया बाहर और ये मेरा खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खड़े साग का चिकन तैयार है। लाइफ विद नूरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे दे अल्लाह इजाज़त, दे अल्लाह हाफिज़।